वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप लोग हैं कक्षा 5 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि आप लोग के आने वाली परीक्षा जो 2023 में वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही आप लोग अगर किसी और भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमको इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे नॉलेज को प्राप्त करिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है अपना नाम, इस यहाँ पे रोल नंबर, स्कूल का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और ज़िला का नाम, ये आप लोग को कर लेना है। यहाँ से आप लोग को मिलाने वाला मिल जाएगा क्वेश्चन। इसको आप लोग देख सकते हैं, कदम का पेड़ जो है वो लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, चांद का कुर्ता रामधारी सिंह दिनकर, चतुर चित्रकार राम नरेश त्रिपाठी, ननकू मंजू मधुकर और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इस तरह से अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है रिक्त स्थानों को भरी तो मदर टेरेसा ने यहाँ पे खाली जगह बनने का निश्चय किया था नन। ठीक है, सभा में अनेक विदुषियाँ, यहाँ पे विदुषी आ जाएगा, पीले कार्ड वाले पत्र को पोस्ट कार्ड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डैश के डर से बाघ दुम दबा करके भाग चला तो ये हो जाएगा टिप टिप हुआ। छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला अब हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। तो यहाँ कदम का पेड़ शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, साहस के लिए ननकू को किसने इनाम दिया, तो प्रेसिडेंट ने। उसके बाद तीसरा है, डाकिया के कपड़े का रंग कैसा होता है, तो खाकी। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज किसकी संस्था है, तो मदर टेरेसा की। अगला है, ममता की मूर्ति किन्हें कहा जाता है, तो मदर टेरेसा को। अगला यहाँ पर आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। तुलसीदास अथवा रहीम का एक दोहा लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रहीम का दोहा लिखा हुआ है, बड़े बराई न करे बड़े न बोल बोल, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका सो मोल, लाख टका मो मोल। ठीक है, अगला है, चांद माँ से झिंगोला सिलवाने की बात क्यों करता है, क्योंकि जब वह रात को सफ़र करता है और मौसम जाड़े का है तब उसे ठंड लगती, इसलिए वह झिंगोला सिलवाने की बात करता है। अगला है, पड़ोसी क्यों समझते थे कि लक्ष्मी गरीब नहीं है, क्योंकि उसका पति रोज किसी न किसी को दावत खिलाने के लिए बुला लेता था, जिससे पड़ोसी समझते थे कि लक्ष्मी गरीब नहीं है। अगला है, आप अपने किसी संबंधी का पिन कोड के साथ पता लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह से खाका बना दिया गया है, आप लोग इसमें अपना इसी तरह से भर लीजिएगा। अगला आता है, कदम का पेड़ कविता में माँ ने बच्चे को नीचे उतरने के लिए कौन कौन से प्रलोभन दिया, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, माँ ने बच्चे को नीचे उतरने के लिए मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई इत्यादि देने का प्रलोभन देती है। अगला यहाँ पर आता है, यदि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। यदि आप ननकू के जगह होते तो क्या करते, अथवा आपकी नज़र में श्रवण कुमार जैसा कैसा लड़का था, श्रवण कुमार से आपने क्या सीखा। तो चलिए, हम लोगों ने नीचे वाला का आंसर दिया है कि मेरे नज़र में श्रवण कुमार माता पिता का भक्त बेटा है, जो अपने माता पिता से बेहद प्रेम करता है और उसकी खूब सेवा करता है। श्रवण कुमार के विषय में बताया जाता है कि जब उसके माता पिता ने भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की, तब श्रवण कुमार उसे दो टोकरियों में बिठा करके अपने कंधे पर उठाया, फिर भ्रमण के लिए निकल गए। परंतु रास्ते में श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के तीर लगने से हो गई। श्रवण कुमार से हम लोग ने माता पिता के कैसे सेवा की जाए उसके बारे में सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यह एक प्रैक्टिस सेट है, इसका ओरिजिनल पेपर आप लोग को एग्जामिनेशन से एक या दो दिन पहले मिल जाएगा। तो आप तब तक हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।